सबरिन, आज जो मैं बना रहा हूँ वो है ये तस्वीर। मैंने इसका सिंपल सा सिलेक्शन टूल लेके इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है और इसको हमने पासपोर्ट साइज फोटो में बनाना है और ये कराटे डिज़ाइन का तस्वीर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो भी पासपोर्ट साइज का। ये है, ये रही। तो वो तस्वीर हम इधर मूव करते हैं। ये बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। जाएंगे कैमरे में, एडोबी कैमरा, इस तस्वीर के हाइलाइट्स और बाकी वगैरह चीजें इसके सही करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ और इसको करता हूँ, शेडोज को ज्यादा करता हूँ, वाइट्स को बड़ा नॉर्मल, ब्लैक्स को थोड़ा ज्यादा, टेक्सचर को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग एक टेक्सचर डाउनलोड करेंगे जो इस तस्वीर में मैच करें। तो हम लोग क्रोम से एक टेक्सचर अभी डाउनलोड करेंगे। तो ये रही भाई मेरे क्रोम। न्यू डॉक्यूमेंट में ये ब्लू में गए और इसके बाद आई थिंक ये टेक्सचर या टेक्सचर सही रहेगा मेरे ख्याल से। मुझे तो ये पसंद आ रहा है, आप चाहो तो दूसरे टेक्सचर या दूसरे बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो। मूव करता हूँ, एडा फोटोशॉप पर। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये मेरे ख्याल से सही नहीं आ रहा है, हम लोग दूसरा टेक्सचर यूज करेंगे। तो ये किस तरह का टेक्सचर है, ये सही रहेगा क्योंकि ये पासपोर्ट साइज का। तो भाई ये भी सही नहीं लग रहा है।
चाहिए एक इस तरह बैकग्राउंड जो ज़ूम करने में ख़राब ना हो, HD बैकग्राउंड। सही रहेगा। अच्छा, अभी हम लोग एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। कर्व्स हम इसके हाइलाइट्स को थोड़े कम कर देंगे, जो ब्लू चैनल है ब्लू चैनल में इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे ताकि ये मैच करे। ग्रीन चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा, ब्लू को बस। जब ये टेक्सचर है इसका हम कंट्रोलर कमांड जे प्रेस करके एक और कॉपी लेंगे। इसको मैं सबसे टॉप पर ले आता हूँ और इसको मैं करता हूँ गोशन ब्लर। गोशन ब्लर कर दिया थोड़ा सा कम बस इतना, और इसको आल्ट प्रेस करके इसमें कन्वर्ट कर। अब इसका हम लोग ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे, ये ब्लेंड मोड, और इसका ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा। अब थोड़ा बहुत मैच करने लग रहे हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने इतना सा प्यारा सा एक तस्वीर पासपोर्ट साइज में एडिट कर लिया, और अगर आप चाहो तो इस लेयर को थोड़ा सा ब्लर भी कर सकते हो। अगर चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सिर्फ इतना ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा, अभी हम इधर एक सिंपल सा फॉन्ट क्रिएट करेंगे। तो भाई सॉरी, मेरा आज कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। इधर मैं लिखता हूँ कराटे, कराटे डू। तो आज मैं यहाँ पे जो फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फॉन्ट का एक्चुअली नाम भी कराटे है। सर्च करता हूँ, मेरे ख्याल से मैं ब्लर को हटा दूँ, अगर आपको मर्जी तो आप इसको लगा देना, मुझे तो पसंद नहीं है। ओह शिट, मैंने उस बैकग्राउंड लेयर को ही डिलीट कर दिया होगा। अच्छा, ये इसको मैं
उसके ब्लेंड मोड को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये ब्लेंड मोड आप चाहो इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये रही हम लोगों ने एक सिंपल सा क्रिएटिव सा डिज़ाइन क्रिएट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ लाइक और वो बेल है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, तो जल्द से जल्द मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।